हेलो एंड वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैंने यहाँ पर स्वीट अप्पम बनाया है। इसके लिए 2 चम्मच घी ले लेंगे, आधा कप दूध डाल देंगे, 5 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पर जैगरी पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसको गुड़ को कट करके डालिए, या फिर शक्कर चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद 1/4 कप मैंने यहाँ पर सूजी डाल दी है और इसे हमने रख दिया है 5 मिनट रेस्ट के लिए मिक्स करने के बाद में। तो ये दूध रूम टेम्परेचर वाला दूध है, ठंडा भी नहीं है और ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अब यहाँ 1/4 कप चावल का आटा, 1/4 कप गेहूं का आटा और 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा लेके मैंने यहाँ पर छान के ले लिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं और इसमें मैंने यहाँ पर आधा कप दूध और डाला है। उसके बाद में 2-3 चम्मच दूध की और ज़रूरत पड़ी थी, तो इस तरह का बैटर बन गया है। बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं, इस तरह से आप बना के खा सकते हैं। और अगर आपको मीठे पकौड़े पसंद हैं, गुलगुले जिसे हम बोलते हैं, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मिक्स करने के बाद में मैंने यहाँ पर ये रेडी किया है। घी डाल के थोड़े थोड़े सफ़ेद तिल डाल दिए। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखी है मैंने, तो हम इसमें सेक लेंगे। लो फ्लेम पर मैंने रखा है, गरम करने के बाद में इसे डाला है। ऊपर से सफ़ेद तिल डाले और थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया है। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी सेक सकते हैं, पर घी में टेस्ट अच्छा आएगा। दोनों साइड से इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे और ले लेंगे 2 बैच में बने इतने अपम बने हैं। और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। एक बार इस तरह से आप बना के ज़रूर देखिए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और अंदर भी सफ़ेद तिल डाल सकते हैं। हम ये देखिए कितने सॉफ्ट भी हैं, एक बार बनाइए इस तरह से।